कानपुर में सीसामऊ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा सुहेल अहमद को प्रत्याशी घोषित करने के बाद पार्टी में अंतर कलह शुरू हो गई है। टिकट मिलने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को ये उम्मीद थी कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने उनको टिकट ना देकर सुहेल को प्रत्याशी बना दिया, जिसको लेकर अब घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रह चुके हर प्रकाश अग्निहोत्री ने बताया कि जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया उनको दरकिनार कर दिया गया और समाजवादी पार्टी में रहे सुहेल अहमद को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने बताया कि 16 लोगों ने आवेदन किया था, अगर उसमें से किसी को टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने चेतावनी वाले लहजे में कहा कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। देखिए 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए नेताओं द्वारा जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके, जिनका पार्टी में 45-45, 40-40 साल का, किसी का 30 साल का, किसी का 25 साल का, किसी का 20 साल का योगदान था, उनको नज़रअंदाज करके और एक हफ्ते पहले समाजवादी पार्टी से आयात करके 213 सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है, उसका हम लोग यहाँ पर मुखर विरोध कर रहे हैं। अपने हाईकमान से ये मांग कर रहे हैं कि उनका टिकट बदला जाए। 16 लोगों ने आवेदन किया था। किसी भी कार्यकर्ता को अगर वो सिंबल दे करके चुनाव लड़ा देंगे तो हम 15 लोग उसको पूरी ताकत से लड़ा करके जिताने का काम करेंगे, और अगर टिकट बदली नहीं गई तो अब हम लोग चुप भी बैठने वाले नहीं हैं। मुखर होकर के इस प्रक्रिया का विरोध करेंगे, सड़कों पे विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे। लेकिन जो धींगा मुस्ती जो कांग्रेस में चल रहा है, कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम जो किया जा रहा है, आज कानपुर के एक विधायक और एक पूर्व विधायक के इशारे पर इस तरीके के गलत निर्णय लेने का काम किया जा रहा है, अब उसको चलने नहीं दिया जाएगा। कार्यकर्ता एकजुट होकर के इन मठाधीशों का विरोध करेगा, यही इसलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं? अब हमारी मांग है कि जो गलत टिकट दी गई है 213 सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में, वो वापस हो और किसी भी निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट दी जाए जिसको। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि 213 सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र थोड़ी सी मेहनत में जीती जा सकती थी, लेकिन अब उसको हारने के लिए ये टिकट दी गई है। और पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से साठगांठ है, उसे जिताने के लिए एक मुस्लिम कैंडिडेट के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है ताकि मुस्लिम वोट बढ़ जाए और उसका लाभ उनके चहेते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल जाए और वो चुनाव जीत जाए। क्या अगर आप लोग को टिकट नहीं मिली तो क्या पार्टी छोड़ेंगे? देखिए पार्टी छोड़ने के लिए तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठ करके निर्णय करेंगे कि हम लोगों को क्या निर्णय लेना है, लेकिन एक बात तय है कि हम लोग पार्टी में रह करके ये जो पार्टी में गलत निर्णय लिए जा रहे हैं इसका विरोध पूरी ताकत से मुखर होकर के अब करेंगे। अब जवान में जो है दही जमा करके हम लोग नहीं बैठेंगे। अब जो भी अगर गलत जो है कब निर्णय पार्टी द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को मानने वाले लोग हैं।